हेलो हेलो, 1 2 3 माइक टेस्ट। हेलो, नमस्कार दोस्तों, सर्वम म्यूजिक लैब की ओर से मैं साकेत जैन आप सभी श्रोतागणों का, दर्शकगणों का स्वागत करता हूँ। आज हम बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी की पुण्यतिथि, 8वीं पुण्यतिथि में हम एक छोटी सी उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं सर्वा म्यूजिक लैब की ओर से। राजेश खन्ना जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, वो हम जानेंगे। हमारा शो बस शुरू हो रहा है, आप सभी लोग जल्दी जल्दी इस शो में आ जाएं। राजेश खन्ना जी के फिल्मों के कुछ 8 गाने हम लेके आएंगे, 8 गानों को पेश करने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर, उनकी फिल्मों के 8 फिल्मों के 8 गाने। उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र भी करेंगे और इसके साथ ही सर्वा म्यूजिक लैब के द्वारा कुछ अनाउंसमेंट होने वाले हैं, जो कि 8 अनाउंसमेंट होंगे। उन अनाउंसमेंट को भी मैं यहाँ आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सर्वम म्यूजिक क्लब की ओर से आप सभी का स्वागत है और पहला गाना अमर प्रेम मूवी से हम लेंगे। गाने के बोल हैं चिंगारी कोई भड़के, म्यूजिक दिया है आड़ी वरुण साहब ने और लिरिक्स दिए हैं आनंद बख्शी जी ने। किशोर कुमार जी ने इसे गाया है और इस गाने की एक खासियत यह है कि इस गाने का जो इंस्ट्रूमेंटेशन था, स्टार्टिंग में जो स्ट्रिंग बजता है, वो स्ट्रिंग गलती से गिटारिस्ट ने उल्टा बजा दिया था। पूरी म्यूजिशियन टीम उस बात के लिए हंसी, लेकिन आरडी बर्मन साहब ने उस गिटारिस्ट का हौसला अफजाई किया और उसे प्रोत्साहित किया और उन्होंने उसी म्यूजिक पीस को रखा गाने में और आज हम उस गाने को सुन रहे हैं। दुश्मन ठेस लगाए
मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, ओ उसे कौन बुझाए। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू प्रभु जी। एक एक करके अनाउंसमेंट होंगे। पहला अनाउंसमेंट कल के लिए है। ये गाना आनंद बख्शी जी के द्वारा लिखा हुआ था, लिरिसिस्ट वो थे इस गाने के, और आनंद बख्शी जी का 21 जुलाई को, अपकमिंग जो 21 आ रहा है, उस दिन 90वां बर्थडे है। और सरगम म्यूजिक लैब की ओर से एक टिकट शो रखा गया है, जो कि कल सरगम म्यूजिक लैब के प्राइवेट ग्रुप में हो रहा है, जिसकी टिकट मात्र 100 रुपये है। टाइटल शो का अनफॉरगेटेबल आनंद बख्शी। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, और मात्र 100 रुपये की टिकट में आप पूरे फैमिली के साथ उस शो को एंजॉय कर सकते हैं। उस शो में 4 सिंगर परफॉर्म कर रहे हैं, एक जोड़ी है संगीता डे और शुभेंदु डे, एक छोटी बच्ची है जूही श्याम चौहान, 9 साल की है, कस्तूरी जी हैं, विशारद हैं, और इसके बाद हमारे चौथे सिंगर सागर आचार्य जी। तो ये 4 सिंगर लेकर के आ रहे हैं 8 से 10 की शाम, कल रविवार इतवार की शाम, अनफॉरगेटेबल आनंद बख्शी। तो दोस्तों, राजेश खन्ना जी की ओर रुख वापस करते हैं, और राजेश खन्ना जी को हम आज हैप्पी मूड में एंजॉय करेंगे, क्योंकि जो जा चुका है उसकी अच्छी यादों को लेके जाना चाहिए, क्योंकि राजेश खन्ना जी के समय उनको जैसे काका बोलते थे, ऐसा बोला जाता था कि ऊपर आका नीचे काका, ऐसा बोला जाता था। तो उनके ही एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म के गाने को लेकर, इस गाने की भी एक स्टोरी मैं बताऊंगा आपको इस गाने के बाद। ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मुंबई आने के बाद पहला गाना मैंने यही गाया था। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू आनंद जी। इस गाने की फरमाइश की है सुरभि ने, अजय जी ने, संगीता जी ने, रंजना जी ने, एलजी वर्मा, किशोर कुमार, फिल्म का नाम आराधना, आनंद बख्शी के ही तरीके। कब आएगी तू आए रुक मत सानी, कब आएगी।
आए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया आ तू चलिया। थैंक यू की गलियां भावों की कलियां सब रंग रलियां तू सही है। प्यार की गलियां भावों की कलियां सब रंग रलियां तू सही है। गीत बन घट पे किस दिन गाएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुक मत ताने कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया। थैंक यू रंजना जी, थैंक यू संगीता जी। फूल सी खिल के आस अदल के दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के आस अदल के दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुत मत तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया। वेलकम मकर, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मिला टैगोर के बगैर इस गाने को फिल्माया गया था। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुक मत तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुक मत तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया आ तू चलिया चलिया तू चलिया चलिया आ तू चलिया चलिया तू चलिया। इस फिल्म की शूटिंग दार्जिलिंग में हुई थी और जो पिक्चराइजेशन दिखाया जाता है ना शर्मिला टैगोर जी का वो डुप्लीकेट था। मतलब शर्मिला टैगोर उस शूटिंग के समय थी ही नहीं, बिना शर्मिला टैगोर जी के ये था। ये गीत सुन के सपनों की रानी निकल चुकी होगी घर से। बिल्कुल बिल्कुल जयंत जी, बट कोरोना के कारण मैं अभी मिल नहीं पाऊंगा उससे। अच्छा तो हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल पंकज, ये गाना भी हमारी लिस्ट में है। सेकेंड अनाउंसमेंट, सरगम म्यूजिक लैब एक नई पहल की जो कि मई से शुरू हुई और हम हॉबी सिंगर्स की लाइव जर्नी को पूरी दुनिया तक दिखा रहे हैं। क्योंकि फिल्म सिंगर्स, प्रोफेशनल सिंगर्स, इनकी लाइव जर्नी तो सभी लोग दिखाते हैं, सोनू निगम सभी लोगों की। नमस्कार नमस्कार शशि कुमार जी। तो सरगम म्यूजिक लैब ने एक नई पहल करी और जो हॉबी सिंगर्स की, जो अंडर रेटेड सिंगर्स हैं, उनकी लाइव जर्नी को दिखाने की कोशिश की है। वेलकम सरोज जी। तो इस श्रृंखला का नाम हमने दिया सरगम एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया ऑनलाइन सिंगिंग वेब सीरीज।
इसके तहत हमने 4 एपिसोड्स लॉन्च कर दिए हैं हमारे सरगम म्यूजिक लैब के यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं, जिनमें से 4 सिंगर्स की लाइव जर्नी हमने दिखाई है, सुरेखा जी, शशि कुमार जी, योगिनी जी, प्रतिज्ञा जी, और हमारी इस सीजन 1 की 5वीं और अंतिम कड़ी हम दिखाने वाले हैं 25 जुलाई को विजय जी की। तो सुबह 8 बजे सरगम म्यूजिक लैब के यूट्यूब चैनल पे वो आपको देखने को मिलेगी। और यदि आप लोग भी अपनी लाइव जर्नी, जो कि बचपन से लेकर अब तक सिंगिंग लाइव जर्नी, पर्सनल लाइव जर्नी लोगों तक दिखाना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कीजिए, हम आपकी जर्नी भी लोगों तक दिखाएंगे। अभी लिखते हैं किशोर कुमार के 2 गाने हो गए, अभी हम एक मोहम्मद रफ़ी जी का गाना लेते हैं, ये आप सभी को पसंद आएगा। फिल्म का नाम है द ट्रेन, आर डी बर्मन, और इसकी फरमाइश की है अजय जी ने और आनंद जी ने। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। जयंती, जो आने वाली है उसकी आंखें भी गुलाबी शायद। दिल में मेरी ख्वाब तेरी, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं जुड़वा। पूरा ये जादू तेरी आंखों का, ये तेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। वेलकम कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। शशिकांत जी, थैंक यू। जयंत जी, अनिल जी, थैंक यू सो मच। सुरजी, हाय शुभम। थैंक यू विनय जी। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फेरा नाज नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर, सुन जरा वो बेखबर। जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। थैंक यू सो मच। ये मूवी मैंने देखी तो नहीं है, बट ये गाना जब भी मैं सुनता हूँ तो मैं ट्राई सोचता हूँ कि ये गाना, ये मूवी देखूँ। थैंक यू रंजना जी, थैंक यू संगीता जी, थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू शशि जी, आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल के आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। इसके बाद तीसरा अनाउंसमेंट सरगम म्यूजिक लैब का। सरगम म्यूजिक लैब की हिस्ट्री में पहली बार ओपरा सॉन्ग्स लेके आ रहे हैं। हाँ जी, ओपरा या ओपेरा जो प्रेजेंटेशन है इसका, ओपरा सॉन्ग्स
लेके आ रही हैं दिल्ली से काबुकी जी। काबुकी जी आ रही हैं 26 जुलाई को सरगम म्यूजिक लैब के फेसबुक पेज पे। जी हाँ दोस्तों, हमने एक नई श्रृंखला चालू करी है आउट ऑफ मुंबई के सिंगर्स को अपने सरगम म्यूजिक लैब के पेज पे लाने के लिए। यदि आप आउट ऑफ मुंबई के मेंबर्स हैं, सिंगर्स हैं, तो आप सभी लोग भी सरगम में हिस्सा बन सकते हैं। एक कमेंट मेरा थोड़ा रह गया ऊपर का, अनिल जी का, रफ़ी साहब भी गाया था। जी 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 बिल्कुल, रफ़ी साहब ने ही गाया था इस गाने को, गुलाबी आँखें को। और इसके बाद हम चलते हैं, ये सलीम जी जो कि एफबी पर नहीं है, बट इस गाने को हम, इस पूरे श्रृंखला को हम यूट्यूब पे भी डालेंगे शो के बाद, सलीम जी वहाँ से देखेंगे। सलीम जी साजिया जी की फरमाइश पर ये गाना मूवी अजनबी का है। इस गाने को देखने के बाद आगे सुनते हैं अगली अनाउंसमेंट सरगम की। हसीना से यूं मुलाकात हो गई एक अजनबी, हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई एक अजनबी, हसीना से यूं मुलाकात हो गई। हमारे वॉइस ऑफ किशोर अभी सुन रहे हैं शशि कुमारी, यदि कोई मिस्टेक हो तो माफ कीजिएगा। सर्वे म्यूजिक लैब के वॉइस ऑफ किशोर कुमार। सारी उम्र मुझको रहेगा
सो मच आप सभी लोगों का। कुछ लोग सिर्फ लाइक्स कर रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी फोटो मुझे जिनकी याद है उनको समझ में आ रहा है। दीपक जी ने लाइक किया, थैंक यू सो मच दीपक जी। आप लोग कमेंट करेंगे ना तो मुझे नाम जानने में अच्छा होगा। अनाउंसमेंट नंबर 4, ये बहुत ही खास है। कानपुर के वॉइस ऑफ रफी कहीं जाने वाले अनुराग पंडित जी, मोहम्मद रफ़ी की डेथ एनिवर्सरी 31 जुलाई को, उससे एक दिन पहले मतलब 30 जुलाई को फेसबुक पे आने वाले हैं सरगम म्यूजिक लैब के पेज पर, तो उनको हम सुनेंगे। वॉइस ऑफ रफ़ी हैं, नॉर्थ साइड बहुत फेमस हैं वो। और इसके बाद हम वापस मोहम्मद रफ़ी जी की तरफ चलते हैं। इस फिल्म की फरमाइश जो है वो मेरी मम्मी ने और मेरे भैया सनी भैया ने दी हुई थी। आनंद बख्शी जी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक है, फिल्म का नाम है दो रास्ते, गाने का नाम डायरेक्ट सुनते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। रेशमी जुल्फें ये शरबतिया हैं, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें ये शरबतिया हैं, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। थैंक यू विनय जी, थैंक यू सुरभि जी। मोहम्मद रफी जी को मेरी तरफ से छोटी सी ट्रिब्यूट इस गाने के माध्यम से। रहना ये अफसाना कोई इनको ना बतलाना, कि इन्हें देख कर ही रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें ये शरबतिया हैं, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ सरगम म्यूजिक लैब के वॉइस ऑफ रफी भी हैं, जैन जी। जैन जी कोई मिस्टेक हो तो प्लीज बताइए, आपके जितना तो नहीं आता है बट फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। Thank you.
सारे इनकी शिकायत करते हैं, सारे इनकी शिकायत करते हैं, फिर भी इनसे मोहब्बत करते हैं। ये क्या जादू है जाने, फिर चाक गिरे दीवाने, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। थैंक यू सो मच सर्वम म्यूजिक लैब की ओर से। अगला अनाउंसमेंट सर्वम म्यूजिक लैब लेके आ रही है मोहम्मद रफी जी स्पेशल शो, जो कि होने वाला है 31 जुलाई को सर्वम म्यूजिक लैब के यूट्यूब चैनल पर। हम रफी जी की 40वीं डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक गुड न्यूज ऐसी है कि शाहिद रफी जी, जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद रफी जी के सुपुत्र शाहिद रफी जी ने भी हमें आशीर्वाद दिया है हमारे शोज के लिए, रफ़ी स्पेशल शोज़ के लिए और अनुराग भैया वाले शोज़ के लिए भी, सभी शोज़ के लिए। तो आप सभी लोग जो रह गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, अभी भी टाइम है, आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं रफ़ी जी के शो में। आगे बढ़ते हैं, पंकज भाई हैं कि नहीं है, चले गए हों तो उनकी फरमाइश का गाना, संगीता जी आपकी फरमाइश का भी यही गाना है, जो रंजना जी ने भी ये गाना दिया है, फिल्म का नाम है कुदरत, मजरूर सुल्तानपुरी और आड़ी वाली का कॉम्बो है, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। इस गाने को लेकर टाइटल मूवी भी बन चुकी है। मगर जी नहीं
हाँ मैं तुमसे प्यार। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू भाई शोभन। सभी लोगों से इसी प्रकार से इतना ही प्यार है कि हमें तुमसे प्यार इतना कि हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते आप सभी लोगों के बिना। तो सरगम म्यूजिक लैब को साकेत जैन को इसी प्रकार से प्यार करते रहें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अनाउंसमेंट है 4 अगस्त का, जो कि किशोर कुमार जी का 90वां बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सरगम म्यूजिक क्लब की ओर से। जिन लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है वो कर सकते हैं, अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अभी रिसेंटली एक चर्चा चल रही है सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट मूवी दिल बेचारा की। दिल बेचारा का जो टाइटल ट्रैक है वो वन टेक में शूट किया हुआ है। तो आप में से किसी को मालूम है कि वन टेक का पहला गाना बॉलीवुड इंडस्ट्री में कौन सा फिल्म आया गया था? एनी गैसेस? वो राजेश खन्ना जी की मूवी का था। उस फिल्म में उन्होंने डबल रोल प्ले किए थे। ये गाने की फरमाइश की है विनय जी ने, सुरेखा जी ने, अनिल जी ने और रंजना जी ने। ये दोस्तों हम बात कर रहे हैं फिल्म आराधना की। ये मूवी आराधना जो थी वो शर्मिला टैगोर जी के लिए बनाई गई थी, बट फेमस हो गए थे राजेश खन्ना जी। एच डी बर्मन जी का म्यूजिक है, आनंद बख्शी जी के बोल हैं। शुरू करते हैं, बहुत ही सिजलिंग परफॉर्मेंस है, रोमांटिक सॉन्ग है। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू सुरभि, थैंक यू प्रतिज्ञा जी। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। हाय शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा।
थैंक यू संगीता जी। थैंक यू सुरभि। आंखों से आंखों मिलती है जैसे, बेचैन होके तूफान में जैसे, आंखों से आंखें मिलती है ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे, मौज कोई साहिल से टकराए, दो शो फ्रेंडशिप डे स्पेशल और रक्षाबंधन स्पेशल होने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरगम से जुड़िए और इस शो का एंजॉय कीजिए। इसके साथ ही सरगम म्यूजिक क्लब को तलाश है कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स की, कस्टमर केयर सर्विसेज के लिए आप सभी लोग आ सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज ए कस्टमर केयर। और अभी हम आखिरी गाना राजेश खन्ना जी की 8वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, मुकेश जी ने राजेश जी के लिए बहुत कम गाने गाए, मुकेश जी का गाना संगीता जी की फरमाइश पर, फिल्म आनंद का सलील चौधरी जी ने म्यूजिक दिया हुआ है, योगेश जी अभी कुछ ही समय पहले हमसे रुख्सत लिए हैं, मतलब दुनिया से रुख्सत लिए हैं, मुकेश जी का गाया हुआ गाना। और इसके साथ ही हमारी जो अनाउंसमेंट्स हैं, एक लास्ट बचा हुआ है, उसके बाद हम शो को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन छुआए, चुपके से आए कहीं दूर, जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन छुआए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर, जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए,
खुशी से आए। सर्व म्यूजिक लाइव के साथ आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। सर्व म्यूजिक लाइव को आप फेसबुक के अलावा यूट्यूब ट्विटर इंस्टा सभी जगह पर आप पा सकते हैं। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। वेलकम रवीन जी। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। तभी मचल के प्यार से चल के हुए कोई मुझे पर नजर ना आए, नजर ना आए। कहीं दूर जब दिन जल जाए साजी दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। इस फिल्म में आनंद ने हमें हटाया भी और रुलाया भी। आनंद मरते नहीं है। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन बैरी अपना अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन जल जाए काहे दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। थैंक यू सो मच योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बंपर अनाउंस। दिल जाने मेरे सारे भेद ये ठहरे खो गए ऐसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे खो गए ऐसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो है अपने मुझसे जुदा ना होने इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझे दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए साजी दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। थैंक यू अविनाश जी। तो बंपर अनाउंसमेंट के लिए आप लोग रेडी हैं? आर यू गाइस रेडी? दो अनाउंसमेंट हैं। पहला वो सर्वम म्यूजिक लैब की जो कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं उनके नए बैचेस 1 अगस्त से चालू होने वाले हैं। आप सभी लोग क्लासिकल ले सकते हैं। सेपरेट क्लासेस मिलेंगी और उसकी फीस वगैरह मेरे नंबर दिए हुए नंबर्स पे आप फोन करके व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। इसके साथ ही सर्वम म्यूजिक लैब इस इंडिपेंडेंस डे लॉन्च कर रहा है लाइफ टाइम मेंबरशिप। जी हाँ दोस्तों, सर्वम म्यूजिक लैब के साथ यदि आपको जुड़ना है तो एक मेंबरशिप अमाउंट होता है। लाइफ टाइम मेंबरशिप हम लॉन्च कर रहे हैं सर्वम म्यूजिक लैब की ओर से, तो आपको पूरी आज़ादी मिल जाएगी सब प्रकार की। उसके लिए आप मेरे से फ़ोन करके पर्सनल व्हाट्सएप करके डिस्कशन कर सकते हैं। इसी के साथ रिमेम्बरिंग राजेश खन्ना जी,
हमारा यही समाप्त होता है सदम म्यूजिक लैब की ओर से। मैं साकेत जैन आप सभी लोग श्रोतागणों का दर्शकगणों का बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग भी आज मेरे साथ जुड़े मुझे प्यार दिया इसी प्रकार से सरगम म्यूजिक लैब को प्यार देवें। और कल भी हमारा जो टिकट शो है उसके लिए भी आप सभी लोगों का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।